हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हमें मत महेश्वर में और रूम के अंदर अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और मंदिर ओपन हो चुका है। इनकी हालत ख़राब है दीदी, इनको बुखार होने वाला है। जाड़ा जाड़ा ऐसा लग रहा है कि निकल नहीं पा रही है। निकल पा रही हो? भैया गया अंदर मुँह हाथ वगैरह धोने, और मैं छाता लेके एक बार जा रहा हूँ टेम्पल तक, देख के आता हूँ टेम्पल अंदर से कैसा है। एक बार होके आता हूँ टेम्पल में, क्योंकि कोई है भी नहीं टेम्पल में, आवाज़ आ रही है मंत्रो मंत्र की। तो चलता हूँ टेम्पल, दिखाता हूँ। बारिश अभी लगातार होती जा रही है, जब से आया तब से बारिश होती जा रही है, रुकी ही नहीं है बारिश। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने तो अपना पूरा पैक हूँ फुल। ठंड तो बहुत ख़तरनाक है, लेकिन ये लोग अभी इन लोग का क्या कहते हैं उसे, प्री प्रिपेयर्ड नहीं थे ये लोग। पर कोई बात नहीं, ये लोग भी सही, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तब तक ये लोग तैयार हो रहे हैं, तब तक मैं होके आते हैं। हल्की सी बारिश स्लो हुई है, एकदम हल्की सी स्लो हुई है, लेकिन अभी भी हो रही है। और वो देखो मंदिर, अब मैं सीधे वहीं जा रहा हूँ। अभी कितना अच्छा लग गया यार, ना कोई भीड़ है ना कुछ है। मैं दुतीसी केदार मधुमेश्वर जी में इतने प्यारे दर्शन करने जा रहा हूँ यार। अभी मैं ऐसे जा रहा हूँ, दीदी लोग के साथ भी जाऊँगा। यहाँ पे 8 बजे आरती होती है, आरती भी अटेंड करना है, कुछ भी करके जाए, रेनकोट पहन के चलो। पहले मंदिर जाते हैं, मंदिर देखते हैं। आ गया मंदिर पे एकदम प्रॉपर पूजा हो रही है मंदिर में। आरती हो रही है, हम लोग आते में लेट हो गए। मंदिर के मेन गेट पे खड़े हैं, मंदिर के अंदर आरती हो रही है, और मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मिले थे जस्ट बाहर से। कंटिन्यू बारिश, हम सबके बहुत अच्छे दर्शन हो चुके हैं। ये मंदिर है, इसके पीछे हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा के लिए। ये पवित्र धारा है, इसको छूने के लिए मना लिखा हुआ है, तो हम लोग नहीं छुएंगे। दूर से ही हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो ये मंदिर के पीछे का एरिया है, बाकी सुबह अच्छे से दिखाऊंगा। हर हर महादेव, 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 हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पीछे भी दो मंदिर हैं, इसको भी सुबह ही जाएंगे। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ख़तरनाक वाला पैर वैर सब जम गए हैं, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होने का वो है, लेकिन होगा अभी 2-3 डिग्री टेम्परेचर होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अब सीधे जाएंगे होटल में, खाना वाना खाएंगे, उसके सो जाएंगे, और सुबह सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि ये भी शूटिंग है। जय शिवाय, जय शिवाय, जय शिवाय। तो फिर जाते हैं यहाँ से होटल में, बाकी का वो वहीं पे दिखाएंगे। बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि क्या बताऊँ। मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए अभी रात के लिए, अंधेरा हो गया। ये शिखर, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। हम लोग जा रहे हैं होटल में, चलते होटल। हर महादेव, जय शिव शंभु। होटल से बहुत ही पास था मंदिर। अरे यार, इस फ्लैश की वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मंदिर बहुत पास था होटल से मेरे। अब दिखा ही था मैंने कितना पास था। अब यहाँ से चल रहे हैं, पहले जाते हैं, खाने का ऑर्डर देना पड़ेगा, जो भी बनवाना होगा वो बन जाएगा। तो चलते हैं, इतनी ठंड भरी उसमें प्लस इस बारिश में। और मैं ज़्यादा तेज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि सब शांति शांति सा है, तो मैं ज़्यादा तेज चिल्ला के बोलना नहीं चाहता हूँ। तो थोड़ा ऑडियो से इस बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, वैसे हर ही बार करते हो, तो इस बार भी कर लेना। अरे इतनी अच्छी आरती देख के एकदम मन प्रसन्न हो गया। सब कुछ मिला रे भोले। हाँ, मैं स्लीपर ही पहन के आया था, क्योंकि उतारना पड़ता है। तो ये हम लोग आ गए हैं किचन में भाई अंकल के, जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग ने आलू की सब्जी और दाल भी लोग खाएंगे, और पराठा बनवा ले रहे हैं सादा, वो खा रहे हैं। भैया भी बैठा है, देखो आग साग। ये एकदम वार्म रहता है, बाहर का टेम्परेचर चाहे जैसा हो, ये हमेशा वार्म रहता है। तो अभी यहाँ से हम लोग अब बैठेंगे एकदम आराम से पलटी मार के, उसके बाद अंकल बहुत टेस्टी टेस्टी गरम गरम रोटी बना दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। हाँ, सब लोग यहीं खाते हैं, पता है। बहुत अच्छी तरह से मेरे वो हो गए थे, तुम लोग थोड़ा सा लेट हो गई थी, हम दौड़ के आए बताने के लिए। कहाँ से? किसने बंद किया बाहर से?
हम तो वहीं पे खड़े थे मंदिर, हम तो तुरंत फिर भाग के आए। यहाँ पे आ गया है आलू और ये नॉर्मल पराठा एकदम, और एक ये ले लिया, प्याज कटवा लिया, भैया लोग यहाँ बैठे, और ये प्याज इन्होंने काटा है, ये नमकीन थोड़ी सी मेरे को भी दे दो। तो खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं, आगे की कार्रवाई दिखाते हैं खाना खाने के बाद। अब खाने में मैंने बताया नहीं था, ये है आलू, जीरा आलू, ये वो, ये नमकीन, ये प्याज, बहुत टेस्टी बनाया इन्होंने जो भी बनाया, मज़ा आ गया। खाना ना खा के हम लोग आ गए हैं वापस रूम में। हम लोग से पूछते हैं इन लोग को अभी तक ट्रैक वगैरह सब कुछ होके अब कैसा लगा है बेटा? अभी तक तो बहुत अच्छा लगा है। हालत कैसी है तुम्हारी? बस हालत एकदम बढ़िया, अब लग रहा है कि घर लेकिन जल्दी से पहुंच जाए। अच्छा, तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक की लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। कल मंदिर के दर्शन अच्छे से कराएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। मंदिर की